नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ई ब्लॉग। गाइस, आज फिर से एक नया वीडियो के साथ हाजिर हूँ। गाइस, ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर ऐसा ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला जो कि आप लोगों के लिए एडसेंस लोडिंग रिलेटेड बहुत सारा जो क्वेश्चन का सवाल यहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा जो एडसेंस अकाउंट है, ये इसका अर्निंग देखिए, टूडे अर्निंग स्टार्टेड। तो इसको मैं रिप्रेस कर देता हूँ क्योंकि गाइस ये चीज होना जरूरी है क्योंकि लोग बहुत सारा लोग कमेंट करते हैं एडसेंस को रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पर देख रिप्लेस जैसे कर यहाँ पर अर्निंग शो कर रहा है। तो टुडे जो अर्निंग है $75 एंड यस्टरडे अर्निंग देख सकते हैं कितना $75 हो चुका है एंड लास्ट 7 डेज का अर्निंग। तो काफी सही जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे करके इस एडसेंस के अंदर अर्निंग होते जा रहा है। तो गाइज, यहाँ पर टुडे जो अर्निंग है परफॉर्मेंस देखिए गाइज, फेसबुक इतना आया, पेस RPM एंड इंप्रेशन बहुत ही अच्छा, एंड पे सीटीआर गाइस देखिए कितना काम, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। एंड वाइस सीपीसी देखिए, क्लिक जो आया है 40 क्लिक आया है एंड यूनाइटेड स्टेट से कितना है गाइस, ये चीज देखने का चीज है क्योंकि ट्रैफिक सोर्स कहाँ से आ रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट से ट्रैफिक आया, इंडिया, ईरान, सिंगापुर बहुत सारा कंट्री से यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है। लेकिन खास जो चीज है यूनाइटेड स्टेट से कितना सीपीसी मिल रहा है, देखिए यूनाइटेड स्टेट से सीपीसी मिला है $10। सो गाइस, एक क्लिक का $10 सीपीसी मिल रहा है, बहुत ही अच्छा सीपीसी है, हाई हो चुका है। एंड यहाँ पे जो क्लिक आया कितना क्लिक मिल चुका है गाइस देख सकते हैं, और क्लिक जो आया है ऑनली 7 क्लिक आया है, 7 क्लिक के अंदर ही मेरा जो सारे का सारा अर्निंग यहाँ पे हो चुका है। तो मैं बोलूंगा क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर आपको और दूसरा कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है यूनाइटेड स्टेट से छोड़ के, तो आप देन सही मतलब RCPC इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो मतलब जानना चाहिए कि उस कंट्री से अगर ट्रैफिक आएगा तो आपको CPC कभी भी ज्यादा नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट, UK, कनाडा इस टाइप का कंट्री से अगर ट्रैफिक आएगा तो वहाँ पे मैं वही बोलूंगा कि यहाँ पे आपको हाई CPC देखने को मिलेगा ही मिलेगा गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस क्योंकि बहुत सारा लोग काम करते हैं ब्लॉगिंग करियर में, लेकिन CPC पाना इतना मुश्किल है क्योंकि उन लोगों का अर्निंग नहीं हो रहा है। किसी का भी एक बार पेमेंट आ चुका है, लेकिन एक बार पेमेंट आने के बाद फिर कितने दिन बाद उनका पेमेंट आएगा वो खुद ही नहीं जानते। तो यहाँ पे हम बोल रहे कि आपको थोड़ा सा मॉडिफाई काम करने का तरीके को मॉडिफाई करना होगा क्योंकि अगर आप अच्छा तरीके से काम करना चाहते हैं तो आपको अभी जो स्मार्ट वर्क करना होगा, क्योंकि SEO एक जमाना था जहाँ पे लोग SEO करके अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हैं, लेकिन अभी जमाना चेंज हुआ है क्योंकि स्मार्ट वर्क करना बहुत ही जरूरी है। तो सो गाइस, यहाँ पे हम लोग हमारा मेथड से काम करके इतना सारा अर्निंग तो कर रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते गाइस ये जो एडसेंस अकाउंट देख रहे हैं आप लोग, ये काफी पुराना एडसेंस है। हम यहाँ पे हर महीना प्रीमियम ले रहे हैं गाइस, ठीक है, देख सकते लास्ट पे आउट देखिए यहाँ पे 899 यानी कि $900 इस महीने, इसका जो लास्ट महीने इसका जो पे आउट है $900 आ चुका है। तो मैं इसको एक बार व्यू पेमेंट करके देखा देता हूँ गाइस क्योंकि शायद बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इतना पुराना है। मैं देखाता हूँ गाइस, ठीक है, एडसेंस को देखिए एक बार, तो आप लोग तो तब पता चलेगा कि हमारा मेथड कितना सही है। तो व्यू ट्रांजेक्शन करके दे रहा हूँ गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पेमेंट मिल चुका है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटेड ट्रांसफर बैंक अकाउंट, तो कितना 899। तो मैं इसको इसको क्लिक करके मैं इसका पे आउट भी देख पेमेंट रिसीप भी दिखा देता हूँ गाइस, ठीक है, पेमेंट रिसीप भी मिल चुका है और देख सकते हैं पेमेंट रिसीप यहाँ पे सारे के सारे चीज है गाइस, ठीक है। तो मैं इस बार इस एडसेंस में कितना साल तक मतलब कितना पुराना है मैं वो चीज देखता हूँ। यहाँ पे लास्ट 3 मंथ का दिया हुआ है, मैं ऑल टाइम देता हूँ गाइस, ठीक है, ऑल टाइम, जैसे ऑल टाइम कर दिया गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कितना पुराना एडसेंस है। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, ये जो गाइस देख सकते हैं इसका भी मतलब देखिए यहाँ पे देखिए 2017 साल, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस 2015 साल का ये एडसेंस है, कितना पुराना एडसेंस गाइस देख सकते हैं। तो ये इसके अंदर पेमेंट आ रहा है, तो आप सोच भी नहीं सकते कितना पेमेंट हम लोग इस अकाउंट से ले रहा है, ले चुका है। तो गाइस ये बहुत ही ध्यान देने के बाद है गाइस, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गाइस पुराना एडसेंस से ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अगर नया एडसेंस भी है उसका भी इस टाइप का अगर काम करेंगे तो आपको ऐसा ही अर्निंग होगा एंड उसमें भी खतरा नहीं है गाइस, ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र होके यहाँ पे काम कर सकते हैं एडसेंस लोडिंग का सर्विस लेके, ठीक है।
तो यहाँ पे जो गाइस मैं आपको और भी एडसेंस दिखा दे रहा हूँ, तो ये एक एडसेंस चला गया और दूसरा एडसेंस, तो इसके अंदर देखिए ये जो एडसेंस है नया है, नया वाला भी हम काम कर रहा है, तो देख सकते हैं एडसेंस। मैं इसको भी एक बार रिलोड कर देता हूँ गाइस, ठीक है, रिलोड कर दिया। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं रिलोड हो रहा है। देखिए आज का अर्निंग कितना है, 5.91 सेंस, मतलब $5.91 आ चुके हैं। एंड येस्टरडे अर्निंग देखिए $7.59। सो अब बहुत ही अर्निंग मतलब हो रहा है, मतलब धीरे धीरे करके अर्निंग जो है इंक्रीज हो रहा है। तो एंड लास्ट 7 डेज का डेटा एंड दिस मंथ का डेटा, क्योंकि ये जो एडसेंस इसी महीने में हम काम कर स्टार्ट कर दिया गाइस। सो यहाँ पर देख सकते हैं 2 डेज सो फार, देखिए कितना पेज हुआ है, क्लिक कितना मिला है, पेज इंप्रेशन देखिए, पेज सीटीआर देखिए एंड सीपीसी देखिए, एवरेज सीपीसी। सो गाइस देखिए ये जो सीनरी आप देख रहे हैं किस, क्योंकि यहाँ पे सीपीसी अभी तक हाई नहीं हुआ है, तो इसके रीजन क्या गाइस, देखिए सीपीसी एक दिन में हाई होता नहीं है, आप लोग शायद जानते हैं। सीपीसी हाई होने में हमारा जो टेक्निक है, यहाँ पे कम मिनिमम 2-4 दिन के अंदर, इसके अंदर सीपीसी इंक्रीज होगा ही होगा गाइस। तो सो यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट से कितना सीपीसी दे रहे थे गाइस, इंडिया से कितना दे रहा है, ये सब का सब यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। सो अर्निंग ऐसा मतलब अर्निंग होगा ही गाइस, क्योंकि हमारा मैथ तो बिल्कुल जेन्युइन है। आप इंस्टेंटली यहाँ पे टॉपिक ला सकते हैं एंड इंस्टेंटली आप अर्न भी कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, लाइक एक बार के लिए नहीं गाइस, यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप लोग सोच रहे तो या फिर हमारा सर्विस लेके जुड़ जाइए, और फिर आपको लॉन्ग टाइम के लिए जो अर्निंग मिलेगा गाइस। सो ये बहुत ही ध्यान देने की बात है गाइस। मैं देखता हूँ कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हर बंदा एडसेंस लोडिंग का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट कितना मतलब सही है उनका मेथड मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ऐसा भी देख सकता हूँ गाइस, देखा हूँ कि हमारा जो वीडियो कंटेंट है, मेरा जो चैनल के अंदर जो वीडियो कंटेंट है, उसको भी क्या करते हैं, नकल करते हैं, वो डुप्लीकेट करके मेरा जैसा वीडियो बनाए हैं, उन लोग भी मार्केट में काम चला रहे। तो गाइस ये ध्यान देने के बाद, क्योंकि अगर इस टाइप का कोई लोग कर रहे तो उसके उसके से बच के रहना गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं और एक चीज दिखाता हूँ गाइस, नया अगर नया चीज देखना चाहते तो मैं वो भी दिखाता हूँ गाइस, ठीक है। ये जो एडसेंस देख सकते हैं गाइस, इसका भी नया एकदम नया बिल्कुल नया एडसेंस है इसका गाइस, यहाँ पे जिसे $111 ले चुका है, ठीक है, लास्ट पे आउट। तो मैं इसको भी होम मेन्यू पे होम पे जा रहा हूँ गाइस, दिखे लास्ट पे आउट देखिए, तो ये एकदम नया एडसेंस है, मैं इसको एक बार रिलोड कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पुराना एडसेंस होना चाहिए, नया एडसेंस के अंदर भी अर्निंग होगा, ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। सो गाइस वीडियो में आज इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड कमेंट ना कर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपका कमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश भी करूँगा, और आगे का जो कंटेंट क्या क्या कंटेंट होना चाहिए वो भी बता देना, मैं यहाँ पे आपका मनपसंद कंटेंट लाने के लिए कोशिश करूँगा। सो गाइस आज वीडियो इतना है, गुड बाय।